उत्तर प्रदेश से एक और रेल हादसे की खबर सामने आई है। मथुरा में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना बुधवार की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक घटना कितने बजे हुई है इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मालगाड़ी के लगभग 25 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। आगरा मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने बताया, एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, ट्रेन के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। हम यहाँ स्थिति का आकलन कर रहे हैं। तीसरी लाइन पर यातायात प्रभावित हुआ है, चौथी लाइन पर यातायात चालू है, जबकि जानकारों की माने तो इस घटना के बाद आगरा दिल्ली रूट बाधित है। कई ट्रेन इस घटना के बाद लेट हो रही है। मालगाड़ी के डिरेल होने पर एएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि दिल्ली जाने वाली एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना मिली थी। जिन डिब्बों में कोयला लदा हुआ था वो पटरी से उतरी है। सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। रेलवे की टीम मामले की जांच कर रही है। कोई जनहानि नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले मिली थी, आधा घंटा पहले हमको कि गाड़ी दिल्ली साइड में जा रही थी और डिरेल कर गई है। करीब करीब इसके 18-19 वैगन डिरेल हो गया है, इसमें कोल लोडेड है। अब मैं आया हूँ, देखता हूँ। ये एसटीपीवी का एक लोडेड गुड्स था जो एसटीपीवी सूरतगढ़ पावर प्लांट के लिए जा रहा था। तो करीब 8:12 पर जो सूचना प्राप्त हुई है, इसका ओएचई डाउन हुई थी। फिर बाद में पता चला कि ये गाड़ी डिरेल कर गई है। तो अभी अभी जस्ट साइट पर पहुंचे हैं, तो वी आर असेसिंग द कि इसको रिस्टोरेशन में कितना टाइम लगेगा। इसके लगभग करीब 25 कोच डिरेल हुए हैं, 25 वैगन डिरेल हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अभी थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद ही कुछ।